मैंने अपने चैनल की फर्स्ट रिक्रिएशन की थी, बट सैडली ये वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है. सो क्यों ना इसको हम रिक्रिएट करें. एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. बहुत टाइम हो गया था कि मैंने आपसे इस तरह से लाइव अगर बातचीत नहीं की. सो आई थॉट कि आज आप लोगों के साथ इस तरह से बातचीत करते हैं. सबसे पहले आप सबका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मेरे चैनल पर और जल्दी जल्दी मेरे 50K कर दिए. आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. आप सबका भी शुक्रिया और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया. थैंक यू सो मच एवरीवन. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक जो आज की वीडियो में रिक्रिएशन शेयर करने वाली हूँ, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि जब मेरे चैनल पर 50K सब्सक्राइबर होंगे और हमारी हाफ सेंचुरी कम्प्लीट होगी, तो जो रिक्रिएशन मैंने अपने चैनल पर फर्स्ट की होगी वो ज़रूर मैं आपके साथ दोबारा से रिक्रिएट करूँगी. तो ये मेरी पहली रिक्रिएशन थी जो कि आज से मैंने 5 मंथ्स पहले अपने चैनल पर ये की थी और मुझे दोबारा दिल किया कि हम इसको दोबारा से अगेन से जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस रिक्रिएशन को. क्योंकि जब मैंने ये पहले रिक्रिएशन की थी, इसकी वीडियो का भी कुछ पार्ट आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से रिक्रिएट की थी और इसमें क्या क्या जो है वो मुझे हर्डल्स आए थे या क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुई थी, और जो अब मैंने रिसेंट रिक्रिएशन की है वो मैंने कैसे किया है और किस तरह से किया है. तो इन दोनों वीडियोस को जो है वो मैं इकट्ठा कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. आई होप कि आप लोगों को मेरी हमेशा की तरह की रिक्रिएशंस लुक में से ये भी बहुत पसंद आएगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट तो मस्ट है. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, योर लव अगेन एंड अगेन. चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग एक गिव अवे कर रहे हैं. सो आज जो ड्रेस हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रही हूँ आशियाना सेंटर, जो कि मेन रहमानाबाद मरी रोड पर है. ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले तनवीर सिल्क सेंटर पर. अच्छा, आशियाना सेंटर आने का मेरा मकसद यह है क्योंकि मैंने राबी सेंटर और राबी 2 में काफ़ी सर्चिंग की थी, तो मुझे जो फैब्रिक रिक्वायर्ड था प्लेटेड फैब्रिक वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया वो कलर. तो मैं आशियाना सेंटर में जब आई तो मुझे तनवीर सिल्क सेंटर पर सेम कलर का फैब्रिक मिल गया. ठीक है, हमारी जो इंस्पिरेशन पिक्चर है उसके अंदर जो हमें फैब्रिक रिक्वायर्ड है वो नैरो प्लीटेड फैब्रिक हमें चाहिए. ठीक है, इससे पहले जब मैंने अपने चैनल पर ये रिक्रिएशन की थी तो मैंने जो था वो दूसरे लूज प्लीट्स में की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि हम सेम प्लीट्स में इसको डिज़ाइन करेंगे. सो मुझे बिल्कुल सेम कलर का और सेम नैरो प्लीटेड फैब्रिक यहाँ से मिल गया. अब बात आती है कि हमें ये फैब्रिक कितने का मिला. सो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ड्रेस की वर्थ थी वो थी 16,000 रुपीज़. पहले आप ओरिजिनल कॉस्ट देख लें कि जो ड्रेस की ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 16,000 रुपीज़ थी, लेकिन मेरा जो बजट था वो था 5K के. हम 5K में इस ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे. सो यहाँ पर इन्होंने मुझे इस प्लीटेड फैब्रिक की प्राइस बताई थी 800 रुपीज़ पर यार्ड, लेकिन इनसे बार्गेन कराने के बाद हमें ये मिला फैब्रिक 600 पर यार्ड का. वैसे तो आप ये प्लीटेड फैब्रिक बिलाल मैचिंग सेंटर से भी ले सकते हैं. जब मैंने लास्ट टाइम अपनी ये रिक्रिएशन की थी तो मैंने प्लीटेड फैब्रिक जो लिया था वो बिलाल मैचिंग सेंटर से लिया था. आपको वैसे हर कलर में बिलाल मैचिंग सेंटर से प्लीटेड फैब्रिक मिल जाएगा, लेकिन इट्स माई बैड लक कि इस दफ़ा उनके पास ये कलर नहीं पड़ा हुआ था जो कलर मुझे रिक्वायर्ड था. ठीक है, सो मैंने फिर तनवीर सिल्क सेंटर आशियाना सेंटर से ये फैब्रिक लिया और 600 रुपीज़ पर यार्ड का हमने लिया. तब भी ये फैब्रिक जो था वो हमें 4 गज़ रिक्वायर्ड था और इस दफ़ा भी हमें ये 4 गज़ ही रिक्वायर्ड है. लाइक 4 गज़ का कपड़ा हमारी मिक्सी पे लगा है. ठीक है, क्योंकि ये प्लीटेड फैब्रिक होता है और इसलिए इसमें थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा यूज़ होता है. सो ये टोटल फैब्रिक हमें कॉस्ट किया 2400 रुपीज़ में 600 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से. ठीक है, वहाँ से फैब्रिक परचेज करने के बाद मैं आ गई थी गल्फ़ सेंटर में. ये गल्फ़ सेंटर जो है वो ओल्ड राबी से पहले है, ये सारे सेंटर एक साथ ही हैं. गल्फ़ सेंटर में मैं आ गई थी जी दानिश दुबट्टा सेंटर पर. अच्छा, रिसेंटली ही मैंने ये शॉप फाउंड किया है. इस शॉप पर आपको सिल्क के प्रिंटेड दुबट्टे मिल जाएंगे. चूँकि अभी सर्दियां हैं तो इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको प्रिंटेड सिल्क के दुपट्टे मिल जाएंगे. जो मेरा लास्ट रिक्रिएशन का लुक था तब भी मैंने इनकी शॉप पे विज़िट किया था और अभी अगेन मैंने इनकी शॉप के ऊपर विज़िट किया कि मुझे इसके साथ जो है वो दुपट्टा मिल जाए सिल्क का. क्योंकि जो हमारे पास इंस्पिरेशन पिक्चर है
उसके अंदर हमें सिल्क का दुपट्टा ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। वैसे मुझे बहुत क्यूरीज भी आती हैं कि प्रिंटेड दुपट्टे कहाँ से मिलेंगे, तो अगर आप गल्फ सेंटर की बेसमेंट में जाएं तो दानिश दुपट्टा सेंटर से जो है वो आपको दुपट्टे मिल सकते हैं। उसके बाद में कमर्शियल मार्केट आ गई और कमर्शियल मार्केट से मुझे लेसेस लेनी थी, तो मैं न्यू लेस सेंटर से जो है वो अपनी लेसेस लेती हूँ। हमें सिर्फ इसकी नेक लाइन के ऊपर ही लेस लगानी थी, ठीक है। हमें और कहीं पर इस पूरे ड्रेस में लेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें सिर्फ इसकी नेक लाइन के ऊपर ही लेस लगवानी थी। लेस परचेज की और उसके बाद में आ गई चनार फैब्रिक पर, और यहाँ से हमें एक ऑर्गेन्जा का पीस चाहिए था जो कि लेस के साथ नेक लाइन पे अटैच होना है। अब यहाँ से मुझे सेम कलर का डाई हुआ हुआ ऑर्गेन्जा का पीस मिल गया, और ये बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा था, ये टू टोन ऑर्गेन्जा था। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी खूबसूरत शाइन आ रही है। तो यहाँ से मैंने तकरीबन लिया 1 गज, ठीक है, 1 गज ऑर्गेन्जा मैंने यहाँ से लिया था इनसे। वैसे मैं ज़्यादातर अपनी मैचिंग और अपने काम इन्हीं शॉप से कराती हूँ। यहाँ से फैब्रिक लेने के बाद मुझे इसके लिए थोड़े से सितारे भी चाहिए थे 0 साइज़ के, जो कि मुझे रेंडम ही शान जरिए से मिल गए। और वो सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद मैं आ गई टेलर के पास, और टेलर ने सारे ड्रेस की मेजरमेंट्स ली मेरी कि मुझे कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है और किस तरह से मैंने अपना ड्रेस स्टाइल करवाना है। उनको मैंने अपनी पिक्चर दिखाई और मैंने उनको बताया कि मुझे कैसा स्टिच करना है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि ये सेम हमने उसी तरह का ड्रेस रिक्रिएट किया है, हमने सेम नेक लाइन रखी है उसकी और सेम लॉन्ग मैक्सी ही हमने बनवाई है, ठीक है। अब आप इसकी नेक लाइन की अगर डिटेलिंग देखें तो इसके ऊपर जो 0 साइज़ का सितारा लगा है ये मैंने हैंड से स्टिच करवाया है टेलर से, ठीक है। मैंने कोई ग्लू पेस्टिंग नहीं करवाई, ये हैंड से टेलर ने इसको सिलाई किया है, और अंदर की तरफ उन्होंने इसके ऊपर पाइपिंग भी की है। ये मैं आपको इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो कि ये हैंड स्टिच करके इस तरह से इन्होंने नेक लाइन बनाई है। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से लग रहा है। अभी मैं आपको ये पहन कर भी दिखाऊंगी। अच्छा, इस मैक्सी की जो टोटल लेंथ थी वो मैंने रखवाई थी 53 इंचेस, क्योंकि ये लॉन्ग बननी थी तो इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 53 इंचेस। और जो इसकी नेक लाइन है वो आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ हमने नेक लाइन बनवाई है। जो मेरी प्रीवियस रिक्रिएशन की वीडियो थी वो सब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो किस तरह का ड्रेस बना था और ये किस तरह का बना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रिक्रिएशन लुक किस तरह की लग रही है। सो अब बात करते हैं कि इसके बजट की, कि हमें इस पे टोटल कितनी कॉस्ट आई है। ये फैब्रिक अनस्टिच मुझे मिला था 2400 रुपीज़ का। ऑर्गेन्जा की जो हमने नेक लाइन बनाई थी वो हमें मिला, ऑर्गेन्जा का पीस हमें 400 का, और लेस मिली हमें 200 रुपीज़ की। टोटल हो गए 3000 रुपीज़। और ये जो आप इसके ऊपर सितारा देख रहे हैं ये तो हमें फ्री में ही मिल गया था। और इस ड्रेस की स्टिचिंग मेरे टेलर ने ली थी 1500 रुपीज़, ठीक है। सो ये ड्रेस टोटल हमें कॉस्ट किया 4500 रुपीज़ पे। सो यस, मेरा 5K का चैलेंज था जो कि हमने 4500 रुपीज़ में इसको पूरा किया है। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा और ये रिक्रिएशन हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रिक्रिएशन कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर माय 50K सब्सक्राइबर। इसी तरह मेरी YouTube की फैमिली बनी रहिएगा। आगे मिलेंगे आपसे अमेजिंग व्लॉग्स के साथ और ईद की रिक्रिएशंस के साथ, और इस वीडियो में एक मैं गिव अवे करने वाली हूँ, सो आगे आपको पता लगेगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। का लगा है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल नैरो प्लीटेड है। और ये रिक्रिएशन आपको मेरी किस तरह की लगी है जो कि हम लोगों ने 50K सब्सक्राइबर पर की है। अगेन से इसकी जो प्रीवियस वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने किस तरह से ये ड्रेस रिक्रिएट किया था और अब दोबारा से मैंने इसको किस तरह से रिक्रिएट किया। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लव यू। एक गिव अवे कर रहे हैं इस दफ़ा, जो है वो गिव अवे थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूँगी। इस वीडियो में जो है एक विनर सेलेक्ट करूँगी और उस विनर का जो कमेंट होगा वो मैं पिन कर दूँगी। अब वो जो कमेंट पिन होगा वो हमारा विनर होगा। इसमें मैं लाइव में आके हम स्पिन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कमेंट पिन करूँगी और वो कमेंट जो होगा वो हमारा विनर होगा। अब वो कमेंट क्या होगा, किस तरह से होगा, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है।
तो आप लोगों ने मीनिंगफुल और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं ताकि मैं एक अच्छे से कमेंट्स को पिन कर इस 50K पे एक अच्छा सा गिव अवे करूँ। और मज़ीद गिव अवेज़ मैं अपने चैनल पर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। जितने भी मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे देखते हैं और मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला साइड बाय साइड उन सबको भी गिफ्ट्स जाएंगे। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और जो मुझे देख रहे हैं, और अगर आप लोग भी इस गिव अवे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बने, कॉमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक अच्छा सा मीनिंगफुल कॉमेंट जो होगा वो मैं पिन कर दूँगी और फिर उसके बाद हमारा विनर होगा और उसको उस तक उसका ब्यूटीफुल सा गिफ्ट चला जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।